नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज जो एक बड़ी ही अजीब बातें सामने आई है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरा गांव है जहां से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, और ये मेरे गांव के बाहर वाला सड़क है, ये खेत वगैरह हमारा है। और सुशांत सिंह राजपूत की इसमें बहुत ही ज़ोरों शोरों से बात को उठाने वाले बिहार के DGP जो कि इसी बक्सर के रहने वाले हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, हम दोनों का डिस्ट्रिक्ट भी एक ही होता है, और हम दोनों का जो गांव है वो करीब 10 किलोमीटर की दूरी है हमारे और उनके गांव के बीच में। उनका गांव यहीं आसपास में है और हमारा भी गांव यही है। तो जो उनके बारे में जो अपडेट आया है, उनके बारे में जो खबर आई है, वो ये आया है कि अब वो भगवान की शरण में चले गए हैं और वो अब कथावाचक बन चुके हैं, अब वो कथा कह रहे हैं। और इसमें भी एक बड़ी खास बात आई है कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगी है। रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगना एक बहुत ही बड़ा संदेश जा रहा है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। क्योंकि चलिए, भगवान की शरण में चले गए, रिटायर हो गए अपने DGP के पोस्ट से, सब ठीक है, उनकी लाइफ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। परंतु उन्होंने रिया चक्रवर्ती के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था कि रिया चक्रवर्ती को मैं उसकी औकात दिखा दूंगा, ये बात उन्होंने कही थी बहुत जब वो DGP थे, उस वक्त की बात है, उन्होंने ये बातें कही थी कि रिया चक्रवर्ती को मैं उसकी औकात दिखा दूंगा। परंतु अब जो बात सामने आई है उसमें उनका ये कहना है कि वो मेरी भूल थी और मैं सॉरी बोलता हूँ। ये अचानक हो क्या रहा है? ऐसे ऐसी बातें मोस्टली लोग कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी को मंत्री पद मिल गया, कोई जा कर के माफ़ी मांग रहा है, सारे लोग ये क्यों, ऐसा क्यों, सारे लोग क्या वास्तव में सेट हो चुके हैं? इन सबको सेट कर दिया गया है कि आप अपने स्टेटमेंट को बदल दीजिए, आप माफ़ी मांग लीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए। तो ये जो चीज़ें हो रही है इस मामले में, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ही संदेश देता है और बड़ा ही एक गहरी साजिश और आशंका की तरफ ये बातें जा रही है कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से उस केस में DGP गुप्तेश्वर पांडे ने बड़े ही बढ़ चढ़ करके एकदम बयान दिया था, और बहुत कुछ वो कहना चाह रहे थे और बहुत कुछ उन्होंने कहा भी, अब जैसे जैसे केस सामने आता गया, जैसे जैसे इस केस में प्रगति होती गई, वो चले गए अपना DGP छोड़ दिया पोस्ट उन्होंने, और उसके बाद वो राजनीति की तरफ झुकाव हुआ उनका, बक्सर से वो चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं मिला। चलो ठीक है, ये सारी बातें पर्सनल उनकी लाइफ है, वो चुनाव लड़ें, नौकरी छोड़ें, कुछ भी करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कथा बाँच रहे हैं, कथा अयोध्या में कथा कह रहे हैं, वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। परंतु रिया चक्रवर्ती से माफ़ी क्यों मांगा उन्होंने? रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ी बात कह रहा है, बहुत बड़ी साजिश लग रही है इस केस में। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती मुख्य अभियुक्त है और मुख्य रूप से उसी का रोल है, और उससे माफ़ी मांगना ये कहाँ का जायज़ बात है? तो मेरा तो ये मानना है कि गुप्तेश्वर पांडे जो DGP रह चुके हैं, उन्हें आकर के इस मामले में खुलासा करना चाहिए और इस मामले में बहुत कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए कि उन्होंने क्यों रिया चक्रवर्ती से माफ़ी मांगी, ऐसी क्या बात हो गई है, क्या उस वक्त कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये सारी बातें अपने आप में एक राज है, अपने आप में एक रहस्य है, और इस रहस्य से अब पर्दा उठना ही चाहिए और गुप्तेश्वर पांडे को सामने आकर के इस बात की सफाई देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।